अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। जैसा कि प्यारे दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं मिशन TAT एग्ज़ाम सब्जेक्ट साइंस, जिसके पार्ट वन की तैयारी हमने पिछले वीडियो में की है। इस वीडियो में हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ पार्ट टू, सेकेंड पार्ट की तरफ। हम हर पार्ट में जो है 10 सवालात की स्टडी करेंगे और उसके अंदर जो मुतबादल दिए हुए हैं उन तमाम मुतबादलात की इजाफी स्टडी भी करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, पार्ट टू में पहला सवाल हमारा है, डिमेंशिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। डिमेंशिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो सबसे पहले हमको समझना है कि डिमेंशिया बीमारी क्या है। डिमेंशिया बीमारी जो है ज़्यादातर उम्र रसीदा लोगों में होती है, ज़्यादा उम्र वाले लोगों में ये बीमारी होती है। इस बीमारी के अंदर दिमाग के अंदर जो है इंसान भूलने की बीमारी होती है। ये बीमारी दिमाग से मुतालिक बीमारी है कि भूलने की बीमारी, डिमेंशिया में भूलने की बीमारी होती है। तो इसका जो जवाब है प्यारे दोस्तों, वो है नाइसिन। इस विटामिन की कमी से डिमेंशिया बीमारी होती है कि बहुत ज़्यादा टेंशन और दूसरी चीज़ें और स्ट्रेस दबाव, जिसकी वजह से बीमारी वजूद में आती है, जो नाइसिन विटामिन की कमी से होती है। नाइसिन विटामिन, तो हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा मुतबादिल नंबर 4। अब हम जो इजाफी मालूम हासिल करेंगे तो नाइसिन को B3 भी कहते हैं, विटामिन B3। और डिमेंशिया, इस बीमारी का दूसरा नाम है सैनिलिटी। क्या है? सैनिलिटी डिमेंशिया इस बीमारी का दूसरा नाम है, जो विटामिन B3 की कमी से होती है। और विटामिन B3 को नाइसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइसिन भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं इजाफी मालूमात की तरफ। तो इसे विटामिन ए जो है, इसकी कमी से जो है जेरोथेलमिया ये बीमारी होती है, जो रंग का अंधापन, कलर ब्लाइंडनेस ये बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन बी की कमी से जो होने वाली बीमारी है वो है विटामिन बी की कमी से होती है। और विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी जो है वो है स्कर्वी। क्या है? स्कर्वी बीमारी जो है वो विटामिन सी की कमी से होती है। पिछली वीडियो में हमने जो इसके नामों के बारे में मालूमात हासिल की थी, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद में बचता है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो हड्डियों की कमी है। क्या है? विटामिन डी की कमी से हड्डियों की कमज़ोरी। विटामिन बी की कमी से हड्डियाँ जो है ये कमज़ोर होती है। हड्डियाँ क्या होती है? कमज़ोर होती है। तो हमने इजाफी मालूमात भी हासिल की है सवाल नंबर 1 के मुताबिक। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। चूँकि प्यारे दोस्तों, सिलेबस बहुत वास्ट है, इसलिए हमको बहुत स्पीड में जाना पड़ेगा। मेरा समझाने का तरीका भी बहुत स्पीड में रहेगा। हम डीप में ना जाते हुए हम जो है मेन टॉपिक की स्टडी करेंगे और मतलूबा चीज़ों को हम जो है उसको याद करेंगे। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किसी मतलूबा इलाज और थेरापिस्ट के दरमियान रज़ाकाराना ताल्लुक़ है। इस सवाल का जवाब जो रहेगा प्यारे दोस्तों रहेगा साइकोथेरापी। क्या रहेगा? साइकोथेरापी इस सवाल का जवाब है। साइकोथेरापी, फिजियोथेरापी, साइकोलॉजी और फिजियोसोशियोथेरापी। तो किसी मतलूब इलाज और थेरापिस्ट के दरमियान रज़ाकाराना ताल्लुक साइकोथेरापी में होता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3। चूँकि इसके अंदर कोई इजाफी मालूमात के लिए हमको बचा नहीं है। फिजियोथेरापी जो है वो हम समझते हैं, अगर डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वार्म अप, हाथ पांव ऊपर नीचे करके जो है उसको जो है वो सही किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3।
ब्रास का रिश्ता जिंक के साथ वैसा है जैसा ब्रोंज का, जैसे ब्रास का रिश्ता जिंक के साथ में है तो ब्रोंज का ताल्लुक किससे होगा, इसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गैलियम, दूसरा है टिन, तीसरा सिल्वर, चौथा है प्लैटिनम। सबसे पहले ब्रास जो होता है, ब्रास ये जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है, जिंक प्लस कॉपर उससे मिलकर क्या बनता है, ब्रास बनता है। क्या बनता है, ब्रास बनता है। तो हमको पता करना है कि ब्रोंज कैसे बनता है, ब्रोंज किस तरह से बनता है। तो ब्रोंज जो है वो टिन के ज़रिए बनता है, काय के ज़रिए बनता है, टिन के ज़रिए से, काय के ज़रिए से बनता है। हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा टिन, क्या रहेगा, टिन, कि ब्रोंज जो है वो टिन के ज़रिए से बनता है। अब इसमें जो इजाफी मालूमात हासिल करेंगे हम, तो पहला गैलियम, गैलियम की जो अलामत है वो जी है, क्या है, जी है, गैलियम की अलामत जी है, और इसका जौहरी अदद, जौहरी अदद जो है वो 31 है, कितना है, 31 है, 31 इसका जौहरी अदद है। और ये कीमियाई अंसुर है, कीमियाई अंसुर है, गैलियम क्या है, कीमियाई अंसुर है, जो एक अलाव है, क्या है, अलाव, अलाव है। आगे पढ़े, अलाव के बारे में पढ़ेंगे, आगे आएगा, अलाव है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे टिन के बारे में, क्या के बारे में, हमने यहाँ पर इजाफी मालूमात हासिल किए, अब टिन के बारे में देखेंगे। तो टिन का जो अलामत है, टिन की अलामत वो एस एन है, क्या है, एस एन, एस एन, स्टैनम, स्टैनम, टिन की अलामत क्या है, स्टैनम है, स्टैनम, एस एन है। और जौहरी अदद जो है वो 50 है, कितना है, जौहरी अदद 50 है, जौहरी अदद 50 है, टिन का जौहरी अदद कितना है, 50 है। और एक धात है, क्या है, धात, ये एक धात है, स्टैनम क्या है, एक धात है। उसके बारे में सिल्वर के बारे में देखेंगे, सिल्वर, सिल्वर की जो अलामत है वो ए जी है, क्या है, सिल्वर की अलामत, सिल्वर चांदी जिसको बोलेंगे, चांदी, सिल्वर, तो इसकी अलामत जो ए जी है, क्या है, ए जी है। अर्जेंटम, इसका मतलब क्या है, अर्जेंटम, अर्जेंटम, ये तमाम चीज़ें जो केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री से मुताल्लिक है। इसका जौहरी अदद जो है सिल्वर का, अर्जेंटम का जौहरी अदद जो है वो है 47, कितना है, 47, 47 सिल्वर का। अब उसके बाद में हम जो है प्लैटिनम के बारे में देखेंगे, प्लैटिनम के बारे में देखेंगे। तो प्लैटिनम जो है इसकी अलामत पी टी है, क्या है, अलामत पी टी, प्लैटिनम, प्लैटिनम। और इसका जौहरी अदद जो है 78 है, जौहरी अदद कितना है, 78, जो कि एक धात है, क्या है, प्लैटिनम क्या है, एक धात है। तो चारों के बारे में हमने इजाफी मालूमात हासिल की है। अब प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवेल्यूएशन और इवोल्यूशन में बहुत फ़र्क है। इवोल्यूशन का मतलब होता है इर्तिका, इर्तिका का बाबा आदम किसे का, किसके ज़रिए पेश किया गया। पहला है ऑप्शन लुईस पाश्चर, दूसरा है अरिस्टोटल, तीसरा है ग्रेगर मेंडल, और चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो इस सवाल का जवाब जो है चार्ल्स डार्विन, ये हमारा जवाब है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है चार्ल्स डार्विन के ज़रिए से पेश किया गया था। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है ये चार्ल्स डार्विन के ज़रिए से पेश किया गया था। अब जो है बढ़ते हम लुईस पाश्चर के मुतालिक जो मालूम हासिल करेंगे। तो लुईस पाश्चर एक जो है साइंटिस्ट था जिसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पाश्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। और इस साइंटिस्ट ने जो है रेबीज और एंथ्रॉक्स की वैक्सीन की इजाद की थी, रेबीज, रेबीज और एंथ्रॉक्स की वैक्सीन,
वैक्सीन की ईजाद की थी? किसने की थी? लुईस पाश्चर ने की थी। लुईस पाश्चर ने जो है रेबीज और एंथ्रॉक्स की वैक्सीन की ईजाद भी की थी, और इसे जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। बढ़ते अगली तरफ, अरिस्टोटल जो है एक यूनानी फलसफी था। अरिस्टोटल कौन था? एक यूनानी फलसफी था। अरिस्टोटल कौन था? अफलातून का जो है, अफलातून ने इसको जो फलसफी जो सिखाया था, अफलातून जो है ये अरिस्टोटल का उस्ताद था। कौन था? उस्ताद था। और ग्रेगर मेंडल जो है ये जुलाई 1822 में, 1822 में, जुलाई 1822 में पैदा हुए थे। इसको जो है जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक भी कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक भी कहते हैं। इसने जो मटर के पौधे के ऊपर जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके विरासत के उसूल को उसने जो है जाहिर किया था। विरासत का उसूल मटर के पौधे पर जो तजुर्बात करके इसने जो है विरासत के बारे में बहुत सारे इनकशाफात किए थे। तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर पाँच, पार्ट टू का सवाल नंबर पाँच है, इंसान की शख्सियत किसका नतीजा है? पहला ऑप्शन है तरबियत और तालीम, दूसरा है मौरूसी और माहौलियात के दरमियान ताल्लुक, तीसरा है सिर्फ माहौलियात, और चौथा है सिर्फ मौरूसी। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर दो, मौरूसी और माहौलियात के दरमियान ताल्लुक, ये इंसान की शख्सियत का नतीजा है। क्या है? इसकी शख्सियत जो है इससे उभरती है, इंसान की शख्सियत। अगला सवाल है सवाल नंबर छः, सेलुलोस किन में पाया जाता है? सेलुलोस किन में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है जंगली पौधों, दूसरा है कैक्टस, तीसरा है फलों में, और चौथा है अनाज में। तो हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर एक, जंगली पौधों में सेलुलोस पाया जाता है। अब इसके मुताबिक जो हम जो है इजाफी मालूमात हासिल करेंगे, तो सबसे पहले सेलुलोस का जो ज़ाब्ता है C6H10O5, ये सेलुलोस का ज़ाब्ता है। और सेलुलोस जो है सब्ज पौधों में पाया जाता है, सब्ज पौधों में सेलुलोस पाया जाता है। अब देखें कैक्टस, तो कैक्टस एक किस्म का खारदार जो है पौधा है, खारदार पौधा है, जो अक्सर जो है रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, गर्म इलाकों में पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। और अक्सर जो कैक्टस है वो अमेरिका के गर्म इलाकों में पाया जाता है, अमेरिका के गर्म इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैक्टस नामी पौधा जो है वो अमेरिका के गर्म इलाकों में पाया जाता है। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर जो है सात है, सवाल नंबर सात है, मंदरजा ज़ैल में किसको काला सोना कहा जाता है? किसको काला सोना? आसान सवाल है, हमारा जवाब रहेगा कोयला, कोयला जो है इसको काला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नंबर आठ, कौन सा साइंसदा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मशहूर था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। सबसे पहले हम जो है आइज़ैक न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइज़ैक न्यूटन ने जो है ये कशिश शक्ल के बारे में हमको जो है अपने नज़रियात पेश किए, कशिश शक्ल के बारे में इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी, जो 1643 को इंग्लिस्तान में पैदा हुए, 1643 को इंग्लिस्तान में पैदा हुए। कौन? न्यूटन। और इन्होंने कशिश शक्ल के बारे में अपने नज़रियात को पेश किया। उसके बाद में जेम्स रुदरफोर्ड,
इन्होंने जो है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा शुआओं के बारे में अपने नज़रियात को पेश किया। जेम्स रदरफोर्ड ने अल्फ़ा बीटा गामा शुआओं के बारे में अपने नज़रियात को पेश किया और इनके जो उस्ताद थे वो थे जे जे थॉम्सन। कौन थे? जे जे थॉम्सन जो है ये थॉम्स जेम्स रदरफोर्ड के उस्ताद थे और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की इन्वेंट की थी, इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त की थी, इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त की थी। उसके बाद में आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया, इस नज़रिए को पेश किया। इनका मानना था कि कोई भी चीज़ हरकत करती है तो वो हरकत करती हुई चीज़ है वो रिलेटिविटी को फॉलो करते हुए हरकत करती है, रिलेटिविटी को फॉलो करते हुए हरकत करती है। इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश किया। तो हमारा इस सवाल का जवाब रहेगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके बाद थॉमस अल्वा एडिशन, इन्होंने बहुत सारी इन्वेंट की थी, दरियाफ्त की थी, लेकिन इनकी सबसे मशहूर जो इन्वेंट है, सबसे मशहूर जो ईजाद है कि वो ये है कि उन्होंने बल्ब की ईजाद की थी। काय की ईजाद की थी? किसकी ईजाद की थी? बल्ब की ईजाद। बल्ब की ईजाद जो है थॉमस अल्वा एडिशन ने की थी। तो प्यारे दोस्तों, हम बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, थर्मामीटर में किस धात का इस्तेमाल किया जाता है? थर्मामीटर में किस धात का इस्तेमाल किया जाता है? चांदी और कॉपर के बारे में इसके पहले हमने पढ़े हैं। उसके तो इसकी इस सवाल का जो जवाब रहेगा, पहला जो ऑप्शन है मुतबादिल है चांदी, दूसरा कॉपर, तीसरा हेलियम, चौथा मर्क्यूरी। तो हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, थर्मामीटर में मर्क्यूरी धात का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मामीटर जो है ये दर्जे हरारत नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, दर्जे हरारत की नापने के लिए जो है उसको मोजने के लिए हीट कितनी है, दर्जे हरारत कितना है, तो उसके लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, ऑटोमोबाइल्स में किस नौइयत के फ्यूल इस्तेमाल होते हैं? जो मोटर गाड़ियाँ आती है ऑटोमोबाइल्स, इसमें किस किस्म के फ्यूल यानी ईंधन इस्तेमाल होते हैं? तो पहला मुतबादिल है ठोस, दूसरा है सयाल, तीसरा है गैस और चौथा है 2 और 3। तो इस सवाल का जो जवाब रहेगा मुतबादिल रहेगा वो मुतबादिल नंबर 4, क्योंकि माय किस्म के सयाल का मतलब होता है माय किस्म के भी ईंधन इस्तेमाल होते हैं और गैस किस्म के भी ईंधन इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 2 और मुतबादिल नंबर 3, ये सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, जानवर जो दोहरी ज़िंदगी बर्री और बहरी गुजारते हैं उनको क्या कहते हैं? जो दोनों जगह पर रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? तो उसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा हमारा मुतबादिल नंबर 1। क्या रहेगा? मुतबादिल नंबर के एम्फीबियंस जो आते हैं ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? जल थलिया भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस को क्या कहते हैं? उर्दू में जल थलिया कहते हैं। और इसके अंदर एक इजाफी मालूमात ये है कि एम्फीबियंस जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून वाले कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और एम्फी का मतलब होता है दो, एम्फी का मतलब दो क्या होता है? दो, ड्वेल, ड्वेल, एम्फी का मतलब होता है ड्वेल। और बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ। यानी ऐसे जानवर जो दोहरी ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। अब रेप्टाइल किसे कहते हैं? तो जो जानवर रेंगने वाले जानवर जो होते हैं उनको रेप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? रेप्टाइल कहते हैं, रेंगने वाले। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये भी क्या कैसे रहते हैं? कोल्ड ब्लडेड। और मौसम के हिसाब से अपने आप को ये लोग
मौसम के मुताबिक जो है अपने जिस्म को ढालने की सलाहियत इनके अंदर होती है कि मौसम के एतबार से ये लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। उसके बाद में जो है परिंदे हैं, परिंदे, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारा जवाब जो था वो था एम्फीबियंस, जल थलिए, उर्दू में क्या कहते हैं, जल थलिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, मंदरजा ज़ैल में कौन सा बड़ा जानवर परिंदा है, कौन सा बड़ा जानवर परिंदा है, शाहीन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ईगल, क्या कहते हैं, ईगल, तो ये नहीं आएगा। शाहीन जो है ये बड़ा जानवर नहीं है, परिंदा है लेकिन बड़ा नहीं है, परिंदा है लेकिन मोर भी बड़ा नहीं है। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जानवर है, जो परिंदों में सबसे बड़ा जानवर जो है शुतुरमुर्ग है, और शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्ट्रिच, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, और मोर को कहते हैं पीकॉक, मोर को कहते हैं पीकॉक। तो हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा शुतुरमुर्ग, क्या रहेगा कि जो सबसे बड़ा जानवर परिंदों में सबसे बड़ा जानवर है, क्योंकि परिंदों में शुतुरमुर्ग है। तो प्यारे दोस्तों आज का हमारा जो पार्ट टू वीडियो है यहीं पर ख़त्म होता है। ये पार्ट टू में हम जो है 12 सवालात को लिए है, इसी तरह हम जो है एक के बाद एक आपकी खिदमत में बहुत सारी वीडियोस पेश करते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।